लेट्स स्टार्ट विथ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. सी, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी मेंसुरेशन में बता चुका हूँ, वही हम डिस्कस करेंगे. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर्स दैट विल बी स्टडिंग. एक 2D फिगर होता है और एक 3D फिगर होता है ना. नेट तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है ना, नेट कैसे ओपन करते हैं. यस सर, ठीक है, विल नॉट बी गोइंग इनटू दैट. 2D फिगर्स में जैसे हमने पढ़ा स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगल, ठीक है, फिर हमने पढ़ा सर्कल, ठीक है, ये सारे 2D फिगर्स है. फिर हमने पढ़ा सेमी सर्कल, ठीक है, फिर हमने सेक्टर ऑफ सर्कल भी देखा, ठीक है, सारे 2D फिगर्स में कंसिडर होता है. सेमी सर्कल, फिर सेक्टर ऑफ सर्कल. अब 3D फिगर्स में भी हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा? क्यूब पढ़ा था, याद है? क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा. अच्छा, मैंने आपको बताया था क्यूब और क्यूबॉइड किसके टाइप होते हैं. ये टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स है ना. प्रिज्म मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी दो जो अपोजिट फेसेस होंगे वो पॉलीगन्स होंगे, सेम पॉलीगन्स होंगे, है ना, यही बताया था मैंने आपको. और जो उसकी लैटरल फेसेस होंगे, जो उसके लैटरल फेसेस होंगे वो आपके रेक्टेंगल्स होंगे. ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स होंगे और ये पॉलीगन्स होंगे, सेम पॉलीगन्स, दीज आर सेम पॉलीगन्स. और उसके बेसिस पे इसका नाम दिया गया है. तो ट्रायंगल प्रिज्म मतलब यहाँ पे ट्रायंगल होगा दोनों साइड, ये दोनों साइड ट्रायंगल होगा. स्क्वायर प्रिज्म दैट इज नथिंग बट क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड, ये सारे स्क्वायर प्रिज्म्स है. पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म जो मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग प्रिज्म्स है. और आपको मैंने क्या बताया? पिरामिड बताया. क्या बताया? पिरामिड बताया, है ना. पिरामिड क्या होता है? जिसका बेस एक पॉलीगन होता है और सारे के सारे बाकी कनेक्टेड होते हैं उसको एक वर्टेक्स के साथ. तो ये पेंटागन है, तो पेंटागनल पिरामिड होगा, ठीक है, बेस इज अ पॉलीगन एंड ऑल दीज वर्टाइसेस आर जॉइंड टू अ कॉमन वर्टेक्स. सारे जॉइन होते हैं कॉमन वर्टेक्स के साथ. दे आर ऑल जॉइंड टू अ कॉमन वर्टेक्स. यस, सारे के सारे कॉमन वर्टेक्स को जॉइन होते हैं, ठीक है. तो अलग अलग तरीके के प्रिज्म पिरामिड हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना. स्क्वायर बेस होगा तो स्क्वायर पिरामिड होगा, ट्रायंगल बेस होगा तो ट्रायंगुलर पिरामिड होगा. इसकी और एक खासियत क्या है? इसकी जितनी भी लेटरल सर्फेसिस है, लेटरल सर्फेस मतलब ये वाली, ये सारी की सारी क्या है? ट्रायंगल है. दीज ऑल लेटरल सर्फेसिस आर ट्रायंगल्स, ठीक है, दीज ऑल सर्फेसिस आर ट्रायंगल्स, ऑल द सर्फेसिस आर ट्रायंगल्स, लेटरल आर ट्रायंगल, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा था. दूसरा, मैंने आपको 3D फिगर्स में और क्या क्या बताया हुआ है बताओ. पिरामिड प्रिज्म तो हो गया, और 3D में क्या बताया? बिल्कुल, एक स्फीयर सर, स्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल. बिल्कुल, स्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल. और क्या क्या बताया था? सिलेंडर बताया था, याद है? सिलेंडर, कोन, कोन बताया था. यस, कोन भी बताया था आपको, बिल्कुल, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है जिसमें हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है. क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है. अब हमें क्या करना है इन सॉलिड शेप्स के बारे में? कैटेगराइज करना है कि कितनी इनकी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होती है, कितनी इनके पास एजेस होती है, कितनी इनके पास फेसेस होते हैं, ठीक है. लेट्स टेक द फर्स्ट फिगर. सबसे पहले मैं क्यूब की बात करता हूँ. तो मुझे बताइए क्यूब के अंदर, मुझे बताओ, ठीक है ना, मैं इनको कैटेगराइज कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू मेक अ टेबल, फर्स्ट टेबल बना लेता हूँ जिसमें यहाँ पे हम सॉलिड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम उसका कितना फेसेस है लिखेंगे, ठीक है, फिर कितना वर्टिसेस है वो लिखेंगे,
वर्टाइसेस और कितना एजेस है वो लिखेंगे. ओके सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द नेम ऑफ द सॉलिड. यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी फेसेस इट हैज, हाउ मेनी वर्टिसेस इट हैज एंड हाउ मेनी एजेस इट हैज. सो लेट मी टेक द फर्स्ट फिगर व्हिच इज अ क्यूबॉइड. सबसे पहला फिगर मैं जो ले रहा हूँ वो क्यूबॉइड है. Yes. चलिए तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस होंगे, कितनी वर्टिसेस होंगे. तो क्यूबॉइड के कितने फेस है? सिक्स फेसेस है क्यूबॉइड के. ठीक है, जिन बच्चों को डाउट हो रहा है एक बार फिगर बना लो आप, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे आप. दिस अ क्यूबॉइड, उसके छह फेसेस है. कितनी वर्टेक्स होगी उसके पास? एट वर्टाइसेस होगी. कैसे बोल रहे हैं हम? 1, 2, 3, 4, चार ऊपर की और चार नीचे की. सॉरी, ये वाली चार नीचे की. और कितनी एज होगी? 12 एजेस होगी, है ना. नेक्स्ट सेकंड फिगर ले लेता हूँ मैं. सेकंड फिगर लेट्स टॉक अबाउट इट. देखो क्यूबॉइड और क्यूब में सेम ही होगा ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा. नेक्स्ट एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म. मान लो हेक्सागोनल प्रिज्म लेता हूँ मैं. हेक्सागोनल प्रिज्म लेता हूँ तो एक बार बना लो हेक्सागोनल प्रिज्म. कैसे बनेगा? हेक्सागन्स होगा ऊपर, नीचे भी हेक्सागन होगा. एट फेसेस सर. यस, कितने फेस होंगे उसके? देखो नीचे जो है वो तो छह फेस, ऊपर एक और नीचे एक, तो टोटल एट फेस होंगे उसके ना. कितनी वर्टेक्स होगी उसकी? 12 होगी. 12, 12, 12. छह ऊपर छह नीचे 12. एजेस कितनी होगी? 18. देखो एजेस कितनी होगी? छह ऊपर की छह नीचे की 12. और स्ट्रेट लाइंस जो होगी वो छह ज्वाइन कर रही है. एक ये होगी, फिर दो ये, तीन ये, चार ये, अब पीछे वाली को पांच छह. ठीक है ना, टोटल 18 हो जाएगा ना. ओके लेट्स टेक नेक्स्ट फिगर. एक और मैं ले लेता हूँ. लेट्स से पेंटागोनल पिरामिड. पेंटागोनल पिरामिड है मेरे पास, उसके कितने फेसेस होंगे? सिक्स. ओके ये पेंटागोनल पिरामिड है आपके पास. चाहो ऐसे भी बना सकते हो उसको थोड़ा सा. ओके सो अगर मैं इसके पहले फेसेस की बात करता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फेस कैसे बनता है? नीचे के बेस को ज्वाइन किया ऊपर की वर्टेक्स के साथ. तो नीचे कितने बेसेस बन सकते हैं? ऐसे पांच नीचे हैं इसके पास, डेफिनेटली ऐसे पांच बनेंगे और एक छठा नीचे का फेस है, तो सिक्स फेसेस आ जाए. कितनी वर्टेक्स है इसके पास? सिक्स. छह वर्टेक्स है बिल्कुल. और कितनी एजेस है इसके पास? 10. पांच नीचे के लिए, पांच ऊपर के लिए, तो टोटल 10 एजेस है. ठीक है, तो फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस है हमारे पास. ओके क्लियर है? ठीक है, तो हमने फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस निकाल लिया इसके लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज पॉलीहेड्रॉन. पॉलीहेड्रॉन अलग अलग फिगर्स के लिए आप फेसेस, वर्टिसेस और एजेस निकाल सकते हो. तो पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? एक सॉलिड फिगर है, ठीक है ना, बाउंडेड बाय प्लेन पॉलीगोनल फेसेस. व्हाट इज अ पॉलीहेड्रॉन? इट इज बाउंडेड बाय प्लेन पॉलीगोनल फेसेस. First, polyhedron is this. Next, second, vortex किसको बोला जाता है? Polyhedron की vortex. Vortex of a polyhedron. It is nothing but a point where three or more faces intersect. Point where three or more
फेसेस इंटरसेक्ट, तीन या तीन से ज्यादा फेसेस अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको वर्टेक्स बोला जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो और तीन मिल रहे हैं, ठीक है, तो वर्टेक्स कहा गया है। सर हाँ बेटा सर, ये पॉलीहेड्रॉन इसमें पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या है, एक फिगर जो बनती है, ठीक है, जैसे ये सारे पॉलीहेड्रॉन्स हैं जो भी हमने बनाए, ये सारे पॉलीहेड्रॉन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला। सर तो मतलब जो भी 3D फिगर होगा वो तो पॉलीहेड्रॉन ही होगा ना? नहीं, लेकिन हर 3D फिगर पॉलीहेड्रॉन है, लेकिन कुछ कुछ 3D फिगर्स पॉलीहेड्रॉन नहीं है। कौन से 3D फिगर्स पॉलीहेड्रॉन नहीं होंगे? स्फीयर, बिल्कुल, और कोन, सिलेंडर, बिल्कुल, कोन, सेमीस्फेरिकल शेप, ठीक है ना, ये सारे पॉलीहेड्रॉन नहीं होंगे, जिसके प्लेन पॉलीगोनल फेस होंगे वही पॉलीहेड्रॉन बनेंगे। जो कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, और इनसे बनने वाले अलग अलग फिगर्स, देखो अलग अलग फिगर्स इनसे बन सकते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कोन है, सिलेंडर है, उसके ऊपर डोम शेप का स्फीयर डाल दिया, तो ये भी एक 3D फिगर बना, लेकिन ये सारे पॉलीहेड्रॉन में कंसिडर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड आ जाओ अभी, अ लाइन अलोंग विथ टू फेसेस, अ लाइन अलोंग विथ टू फेसेस, अलोंग विथ टू फेसेस इंटरसेक्ट इन अ पॉलीहेड्रॉन, इन अ पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड एन एज, ठीक है, जहां पे दो फेसेस मिलेंगे वो एक एज कहलाएगी, ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, है ना। यस सर, ओके। अच्छा, लास्ट ईयर आप लोगों ने क्या टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये साला भी सारा भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, टॉप व्यू ऑफ द फिगर, फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर, साइड व्यू ऑफ द फिगर, ये सारी चीजें पढ़ी है क्या? नहीं सर। नो सर। देखो तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, मान लो एक हमने क्या कर दिया, एक पिरामिड बना लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स से ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया जाए, या एक काम करते हैं स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिड, तो ये कैसा बनेगा, मान लो बेस तो आपका स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी और ई, ये एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना, दिस इज स्क्वायर पिरामिड। अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं टॉप से, सो व्हाट विल बी टॉप व्यू ऑफ दिस, if you're observing from here top, what you'll see from top is a square, kya dikhega aapko, ek square dikhega ABCD, if you view it from the right, let's say right hand side view, to right hand side se kya dikhega aapko, triangle dikhega, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे अगेन यू विल सी अ ट्रायंगल, अब नीचे से देखोगे अगर आप फ्रॉम द बॉटम व्यू, बॉटम व्यू क्या दिखेगा आपको, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, ऐसे अलग अलग 3D शेप्स हो सकते हैं जिनके अलग अलग आपको टॉप फ्रंट बॉटम। अब देखो मान लो 3D फिगर एक आपके पास सिलेंडर है, तो इसका अगर यहां से देखो मैं फ्रंट व्यू जिसको बोला जाए, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट से क्या दिखेगा, ये फ्रंट से क्या दिखेगा, रेक्टेंगल ही दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड से देखो, राइट हैंड साइड से देखो, सब जगह से रेक्टेंगल ही दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। अच्छा टॉप से क्या दिखेगा, सर्कल, सर्कल दिखेगा, ठीक है, टॉप व्यू और फिर बॉटम व्यू बोल सकते हैं, नीचे से भी अगर आप देखते हो इसको बॉटम से तो सर्कल ही दिखेगा, ठीक है ना सर, वो प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं होगा, उसकी जो कर्व साइड है वो तो थोड़ी ऐसी दिखेगी ना, नहीं नहीं वो तो आप थोड़ा सा साइड से उसको विजुलाइज करना चाहोगे तो वैसे दिखेगा, लेकिन सामने से तो बेटा ये रेक्टेंगल ही दिखेगा पूरा, पूरा का पूरा,
क्योंकि जब हम व्यू करते हैं तो एक 2D व्यू मिलता है हमको, 2D व्यू, जब आप देखते हो चीजें तो वो 2D व्यू देती है अपने को, ठीक है? ठीक है ना, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, बैक से देखें तो बैक व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ठीक है? तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन, रेगुलर कॉन्वेक्स टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन, फिर हम यूलर का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन के लिए. और फिर हम लोग वीडियोस को थोड़ा देखेंगे, दो तीन अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, ठीक है, जो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें ना ये बहुत एक्सपीरियंस बोल सकते हो, दूसरा बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट, हम ऐसा नहीं बोलते हैं. ये क्या हुआ, बहुत बार हमने अलग अलग फिगर्स बनाए, अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया, तो इनको नेचर में हमने देखा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे हमारे नेचर में प्रेजेंट है और इनका बहुत सिग्निफिकेंस है ज्योमेट्री के रिलेटेड, ठीक है? तो थोड़ा सा साइंटिफिक चीज देखिए, आप लोगों को काफी मजा आएगा, ठीक है ना?